लड़के ऐसे भागते मेरे पीछे। चुप। ये चेक करो। हमें शाम के साथ एक वीडियो शूट करनी थी। तो गाइस फिलहाल को मैं तुम लोगों की चीज़ बताता हूँ, व्लॉग एडिट करने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसका रीज़न पता क्या है? जो फाइल वाला सीन हुआ था ना, जो 60 से 30 कर दिए थे किसी ने, वही चीज़ बताता हूँ। ये चेक करो, मेरे को सारी वीडियोज ना कन्वर्ट करनी पड़ रही है। जैसे मेरी कितने मिनट की, एक मिनट की वीडियो है, ठीक है? तो ये वीडियो है 368 MB की, तो ये कन्वर्ट करके हो रही है 63 MB की, ठीक है? तो मेरे को ना सारी फाइल्स कन्वर्ट करनी पड़ रही है। सिर्फ इस रीज़न की वजह से व्लॉग थोड़े डिले हो रहे हैं, एडिट भी थोड़े लेट हो रहे हैं। देहरादून का मौसम गाइस, देहरादून का मौसम कब बदलता ना, लिटरली कुछ पता नहीं चलता। बारिश हो रही थी, तूफान आए थे, बर्फ़ तक गिरते इनफैक्ट, बट फिर से वही। ये चेक करो, नीला आसमान। फिलहाल के हम लोग ये वाला व्लॉग जल्दी शुरू कर देते हैं। मैंने चाहता ना भागते भागते हम लोग व्लॉग शुरू करें। ऑलराइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मॉर्निंग गाइस, हैप्पी नवरात्रे गाइस। आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो हाँ आज मैंने पूजा भी करी है, तुलसी में भी पानी चढ़ाया। नेक्स्ट ईयर कराएंगे शायद पार्ट, मम्मी पापा बोल लेते हैं ना, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब। अभी भी हम पे 10-15 मिनट है, ठीक है? मैं तो भगते भगते जाऊंगा, हम पहुंचेंगे जहां तक मुझे लगता है। मिस करते पे यार साडे नी पहुंच गए, हम पहुंच गए, थोड़े टाइम में पहुंच गए। मेरे को 5 मिनट और, मैं भग लूंगा तब तक। भाई स्टैंड बाय गाइस, स्टैंड बाय। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है? हमसे ये उतरवा दिया था, बट हम मैं तो तुम लोगों को ना शुरू से बोलते रहा हूँ, इतनी फ्रॉड लड़की है ना, इतनी फ्रॉड लड़की। मैं अभी अभी आया, भागी थी ना मेरे सामने, भाग के गई थी ना। मैं गया भी नहीं। अच्छा, तू एकता को पकड़ने गई थी, तो तुम साथ साथ कैसे भाग रहे थे? एकता को पकड़ने गई थी और साथ साथ ही भाग रही थी उसकी। वाह वाह, नहीं तेरे पे ही विश्वास, तेरी बात का तेरे पे ही विश्वास नहीं। जा जा, बात ना करियो शाम तक। शाम तक ओए, पर फोन तू मत कर, चल मत कर, मेरे को व्लॉग डालना है। उसका फोन लेके तेरे सामने डालो, मत कर प्लीज, जस्ट मत कर, जस्ट व्लॉग के लिए लेट हो जाएगी, जस्ट स्टोरी लगानी है, मत कर। सॉरी, फोन दे, अब अकेले जाएगा। गाइस, लड़कियां ऐसे भागते मेरे पीछे। सो गाइस, हम लोग अपनी क्लास में जाने वाले थे, एंड मेरी नज़र पता है किस पर पड़ी? ये चप। ये चेक करो तुम लोग, यहाँ पे ये हो रही है नेशनल पेंटिंग वर्कशॉप, ठीक है? एंड इतनी बॉम पेंटिंग बनाई हुई ना भाई, अगर हमें ना नीचे रिकॉर्ड करने देना, नीचे चल के दिखाएंगे इतनी खूबसूरत कम दिखी। जो वो वाले पेंटिंग है ना, उसमें जो सितार के साथ आंटी दीदी बैठी है ना, वो नीचे चलते हैं, अगर हमें रिकॉर्ड करनी तो फॉर श्योर तुम लोगों को पास से दिखाते हैं। बहुत, मेरे को तो मतलब यकीन नहीं हो रहा कि भाई लोग इतनी कूल पेंटिंग बना सकते हैं। हाँ बोल बोल। एंट्री मिल गई बड़ी मुश्किल से। डूड लिटरली यहाँ इतनी भयंकर भयंकर पेंटिंग्स है ना, तो अभी धीरे धीरे करके सारी पेंटिंग दिखाता हूँ तुम लोगों को। सर ने ना बेसिकली जो ये वाली बिल्डिंग है ना, मैं लिटरली, मेरे को ना यकीन से नहीं हो रहा कि कोई इतना रियलिस्टिक चीज़ें कैसे बना सकता है। मस्त लग रहा ना? एंड सबसे सही चीज़ सर, हमारे कॉलेज की है तो फुल पावर का वगैरह। सो गाइस, मैं तुम लोगों को एक और पेंटिंग दिखाता हूँ। ये चेक करो तुम लोग, ये तो काफ़ी बॉम है भाई, लिटरली। मैं तुम्हें एक और पेंटिंग दिखाता हूँ, जो वाले सर थे ना जिन्होंने वो बनाई थी बिल्डिंग की, उन्हीं की एक पेंटिंग है जो काफ़ी लिटरली भाई लिटरली। ये चेक करो, पहले मेरे को लगा ही नहीं ये पेंटिंग है। सो गाइस, ये वाली पेंटिंग सर ने बनाई है। भयंकर हो गया हूं मैं कुछ दिन से। एट द सेम टाइम ये वी हैव गॉट वैभव पुंडी व्लॉग्स। सो गाइस, फिलहाल तुम लोगों को चीज बताता हूं, हम लोगों के साथ सबसे गंदी गलती ये हुई ना कि ना मेरा फोन डेड लिटरली। ये चेक करो, ठीक है? मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई, GoPro में ऑलमोस्ट सिर्फ 30% बैटरी है, उसकी स्टोरेज भी नहीं है। और आज मैंने भूल ही एड चार्ज देना, सच बताओ ना, तुम लोग कॉलेज से ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाएंगे, तुमसे कह रहे हैं जब शाम के घर पहुँचेंगे इन सब चीज़ें चार्ज करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। हम लोगों की क्लास ना खत्म हो चुकी है, मैं, मानसवी, अनुपम, सांभवी, दिया, वंतिका, पुंडीर, हम सारे यहाँ पे ना वीडियो शूट करने आए थे, एक रील वीडियो शूट, तो हम फटाफट शूट करते हैं, फिर मिलते हैं।
तो गाइस सबसे सही सीन क्या हुआ, हम लोगों को इतनी वीडियो बनानी थी बट हम नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, जस्ट भाई बहन ध्यान रखो। एंड हमें शाम बाबी के साथ भी एक वीडियो शूट करनी थी बट कोई बात नहीं, हम लोग के चोट लगी भाई, चोट खाती रहती गाइस। बाय, कल बनाएंगे वीडियो। ओके जी, बाय बाय बाय। इन लोगों के चक्कर से हुआ, मैं लिटरली टलीस के चक्कर से। ओके बाय, ध्यान रखो। ठीक है मेरे भाई, बाय ध्यान रखो। फोटो खिंचवानी थी अपनी। बाय 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 बाय, सो कल मिलते हैं। ठीक है, कल। ओके। फाइनली हम लोग ने बस आ चुके हैं एंड यू वोंट बिलीव इतनी भूख लग रही थी भाई। तो हम लोग ना ये लेके आए, ठीक है, दो तो ये लेके आए भाई। लोग तो टिफिन खा लेते हैं अकेले अकेले और पूछते भी नहीं, ठीक है। ज़्यादा मैं जंक फूड भी नहीं खा सकता ना क्योंकि फेस में काफ़ी दाने हो रहे। फिलहाल के लिए कुछ कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि स्टोरेज और बैटरी दोनों खत्म होने वाले, एक में रेड आ गया एक में येलो। थोड़े बहुत सिनेमेटिक देखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस मिलेंगे हम लोगों को। हाँ जी, फिलहाल को मैं तुम लोगों को चीज़ बताता हूँ, हम लोग घर पहुँच चुके हैं, तुम्हें मिलाते हैं, हम किसी से मिलाते हैं। क्या है भाई? हाँ भाई, यहाँ देख। ओए चाचा, चाचा ये इतने प्यार से बोल देना चाचा कि तुम लोगों को क्या बताऊँ। कैमरा देख के तो आता ही, कुछ नहीं खेलने जा रहा। तो गाइस फिलहाल के लिए हम लोग निकल रहे हैं ग्राउंड में खेलने क्योंकि मैंने सोचा कि हम लोगों पे टाइम भी है, तो हाँ खेलते हैं आराम से। आज का व्लॉग मैंने 12 बजे पब्लिश कर दिया था, मिड डे में। मैंने पहली बार जिंदगी में ना 12 बजे व्लॉग अपलोड करा है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम लोग अपने गेम मिस करें। फुटबॉल के लिए तो मैं गाइस कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। मेरा ना चोट लगी है, मेरा दर्द हो रहा है लिटरली। कल रात को इतना दर्द हो ना, झंडू बाम लगा के सोया मैं, पर फिर भी हम लोग वो है ना, क्या ही बोलूँ भाई। क्या नहीं नहीं करा क्या करो, क्या हाल है बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, अच्छा कैमरा तू छोड़ना मत, बस हाथ में पकड़ के रखना। हेलो भाई, बाय 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 बाय। तो आज ही फाइनली हम लोग खेल के आ चुके हैं एंड हम लोग जा रहे हैं हेयर कट कराने क्योंकि कल यूट्यूब से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो हम तुम्हें कल बताएंगे। वो कॉलेज में ना तो ये बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो हम एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हेयर कट कराएंगे। तो लेट्स गो गाइस, फटाफट हेयर कट कराते हैं, इसके बाद तुम लोगों से मिलते हैं आगे, ठीक है, फिर ब्लॉग एंड कर देंगे। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं अपने हेयर कट करा के। तुम लोग ये चेक करो भाई, मस्त लग रही है ना कितनी। बट एक सबसे बेकार सीन क्या, मैंने अपनी जादुई चुटिया दी ना जो मानी ये कटा दी गाइस, इसकी बिना खाली खाली से लग रहा क्योंकि मेरे को आदत की है ऐसे ऐसे करने की। बट तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देन नेक्स्ट वन विल बी सेफ एंड स्टे सेक्सी बेबी।